हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट वीडियो। और दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए कुछ मजेदार चीज लेके आया हूं, क्योंकि जनरली आपको मालूम है लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग एडवेंचर पसंद करते हैं। एडवेंचर में जनरली लोगों के माइंड में क्या आता है भैया, कुछ जंगल में स्टे हो, कुछ रिवर राफ्टिंग हो, कुछ मजेदार हो। तो उसी तरह के सामान से रिलेटेड आप लोगों के लिए मैं काफी अच्छा सोल्यूशन लेके आया हूं। अगर आप कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कैंप लगाना होगा या उससे रिलेटेड सामान चाहिए होगा, तो डेफिनेटली मैं आपको ऐसी शॉप पे लेके आया हूँ जहाँ पे आपका इन सब चीजों का सलूशन मिल जाएगा। तो इस वक्त हम वेस्ट दिल्ली के अंदर हैं, शास्त्री नगर में। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। हाल फिलहाल बात करते हैं जो ऑनर है, जिस शॉप पे हम खड़े हैं, अनिल गोयल जी हैं हमारे साथ, और यहाँ पे यही मिलते हैं या इनका लड़का मिलता है। आपको उनका नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, डेफिनेटली आप कॉल करके आप यहाँ आ सकते हो। और अभी आपको मैं जो जो सामान यहाँ मिलता है, जिस जिस चीज में डील करते हैं, वो सब कुछ इंट्रोड्यूस करता हूँ। सर, ये थोड़ा बताओ कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, खुद के मैन्युफैक्चर हैं या मंगवाते हो? कुछ आइटम हमारे मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, हम इंपोर्ट करके ट्रेडिंग भी करते हैं। कुछ इंपोर्ट करके ट्रेडिंग भी करते हैं, तो जैसी बात है, जैसी आप इंपोर्ट भी करते हो, ट्रेडिंग भी करते हो, और शायद होलसेल भी करते हो, शायद होलसेल वगैरह भी करते हैं। अगर आपको क्वांटिटी में सामान मंगाना है तो ये शास्त्री नगर दिल्ली में पड़ती है शॉप। और अगर किसी को बाहर सामान मंगाना हो, दिल्ली से बाहर, तो हम यहाँ से कोरियर से भेज देंगे, ठीक है, कोरियर ट्रांसपोर्ट और पोस्ट ऑफिस के थ्रू आ जाएगा सामान पूरा। तो सारी तरह से सामान आप तक पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है आपके पास? नहीं नहीं, ठीक है, पेमेंट पहले करनी है, कुरियर चार्जेस देने पड़ेंगे उसको, ठीक है सर। वो सामान आप तक पहुंच जाएगा। मैं आपको सारा सामान दिखाने वाला हूं, अगर कोई सामान समझ आता है स्क्रीनशॉट लेना, इनका नंबर है वो व्हाट्सएप पे इनको शेयर कर देना, वो माल आप तक पहुंच जाएगा, डिलीवरी चार्ज जो भी होगा आपको बता देंगे। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ छोटी आइटम्स की जो कि ज्यादा जरूरी होती है कैंपिंग के टाइम पे। अनिल जी, सबसे पहले क्या दिखाने वाले आप? ये कैंपिंग स्टोव होता है जी, पोर्टेबल। ओके जी, अच्छा स्टोव है ये, प्रॉपर, ठीक है जी। ओके, इसके साथ सिलेंडर आता है, सिलेंडर यहाँ पे ऐसे लोड हो जाएगा। ओके सर, तो क्या कॉस्टिंग रहती है इसकी? और 750 विद सिलेंडर, 750 की। एक्स्ट्रा सिलेंडर लेंगे तो 150 का एक्स्ट्रा सिलेंडर रहेगा। मतलब कितना टाइम चलता है सिलेंडर? साढ़े तीन से चार घंटे ये कुकिंग कर देता है। फिर उसके बाद में आती है एक लालटेन लाइट, कैंप के अंदर जरूरी होती है। रात बारात अगर आप कैसी जगह हो कुछ आइडिया नहीं होता तो ये देखो बेस्ट है। टेंट में हैंगिंग कर सकते हैं, बैटरी यूज करना है तो इसमें बैटरी का ऑप्शन भी है। और ये चार्ज होती है? ये चार्ज भी होती है और इसमें सोलर का सिस्टम भी है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सेकंडली इसके साथ में एक्सटेंशन एक ये बल्ब भी कर सकते हैं आप, जैसे अच्छा आप ये कैंप में लगा दिया, ठीक है, बाहर खाना बना रहे हैं तो ये आप उसके लिए। बैटरी बैकअप कितना रहता है सर? क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। 3 से 4 घंटे आराम से चलता है, 3 से 4 घंटे। खाली बल्ब को आप USB से भी जला सकते हैं। अच्छा, ये डायरेक्टली अलग से है, ये मतलब अलग से ऑप्शन है, लेना है लो, नहीं लेना है तो अलग से भी ले सकते हो। दोनों का प्राइस 500 में दोनों मिल जाएगा। और अगर अलग से ये लेना हो, सिर्फ बल्ब लेंगे तो 100 रुपए का, ये 400 का, ठीक है सर। छोटा USB आता है, अच्छा टॉर्च है, छोटी वाली। इसमें 3 फंक्शन है। ओके, लाइट, ओके, ये इमरजेंसी के लिए हो गया। और थर्ड ये टेंट की लाइट बना, और टेंट के लाइट का भी काम करता है, बहुत ज्यादा रोशनी लग रही है अभी लाइट में, तो भी रोशनी बहुत ज्यादा है। तो इसकी ये कॉस्ट है सर? 350। ये चार्ज होता है या सेल से चलता है? साथ में चार्जर है। अच्छा चार्जर, USB चार्जर है, बहुत बढ़िया सर। और बैटरी बैकअप वगैरह कितना रहता है इसका, कुछ आइडिया? 3 से 4 घंटे चलता है ये। अगर कैंप में अगर आप रुक रहे हो तो ये काम की चीज है, टेंट की चारों कोनों पे किल लगाने को काम में आ जाएगा, ठीक है। या बाइक वगैरह से जा रहे हैं तो कोई भी नट बोल्ट टाइट करना है, ओके, या मौके पे संडासी का काम भी करेगा आपका, बर्तन को भी पकड़ के आप उतार सकते हो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कुल्हाड़ी है, फिर उसके बाद में इसमें 5 और है। ओम, ये चाकू है, आरा है, स्क्रू ड्रायर है, बियर ओपनर है, कटर है। क्या इसकी कॉस्टिंग कितनी आती है? 450 का आता है। फिर उसके बाद में ये स्टिक होती है, ये ट्रैक कर वगैरह करने के लिए। ये छोटी छोटी आइटम बहुत जरूरी होती है कैंपिंग के लिए, तो ये आइटम सबसे पहले दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको बड़ी चीजें भी दिखाते हैं। ये यहाँ पे स्टोव लिखा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं खोलना कभी भी। ओके, इससे ज्यादा खोल लोगे तो ये खराब हो जाएगी, ठीक है। इसको जहाँ यूज करना है तो इसको एंटी घुमा दो, अच्छा स्क्रॉल कर दो, इसको बंद कर दो। अब ये यूज करने के लायक हो गए। सेकंड पार्ट और खुलता है इसमें, अपने हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर मेरे ख्याल से कुछ और भी है, लाइट का भी ऑप्शन होता है। अच्छा, इसमें भी टॉर्च है। 500 की पड़ेगी लाइट के साथ, 450 रुपए की स्टिक है और 50 रुपए की लाइट है। लाइट आपने लगवानी है तो इसके अंदर में 3 सेल डलते हैं, ठीक है, छोटे वाले, ठीक है। इसको लाइट को आप ऐसे करके जूम कर सकते हो। ओके,
सर ये जो सामान आप बता रहे हो ये रिटेल प्राइस बता रहे हो सारे? रिटेल और अगर किसी को होलसेल में लेना है तो रेट उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये 350 का, इसमें डबल लाइट है, ठीक है, या बाइक के हैंडल पे भी लगा सकते हो। ओके, ऐसे पॉकेट में भी लगा, ये भी लाइट का ही काम करता है बेसिकली। हाँ। और ये भी चार्ज होता है सर? हाँ, नहीं इसमें तीन बैटरियां डलती है, सेल डलते हैं इसमें। ओके, बाय चांस आपकी बाइक की लाइट भी खराब हो गई तो आप इससे बाइक राइडिंग कर सकते हो। ओके, बड़ी वाला है, ठीक है। इसमें इंडिकेटर भी है। अच्छा, इंडिकेटर भी है, मतलब अंधेरे में अगर कोई और इसमें तीन ऑप्शन है, इसके अंदर बैटरी भी है, ठीक है, आप लाइट से चार्ज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा कार और आजकल बाइक में भी चार्जर आ गया, उससे भी चार्ज कर सकते हो। इसमें ये हमारे पास वुलन का सॉक्स होता है, ओके, ठंड वगैरह के लिए, ठंड के लिए। ये आराम से आप ले लद्दाख वगैरह में यूज कर सकते हो, ठीक है। प्योर वूल है ये, 140 MRP इसका 299 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये उसके बाद में ये हाइड्रेशन पाउच होता है, हाँ, ये वाटर के लिए शायद। हाँ। अगर बाइकिंग वगैरह करते हो तो अगर आपको बार बार पानी पीने में प्रॉब्लम होती है तो ये बेस्ट है। ये विद बॉटल के 750 विद बॉटल के साथ है। हाँ। ठीक है, अगर खाली इसका पाउच लेंगे तो अंदर का 300 का है। अच्छा, पाउच अलग भी आता है और बैग अलग भी। हाँ। आता है, अगर ऑप्शन है आपके पास दोनों। और कितने लीटर पानी इसमें आ जाता है सर? 2.5 लीटर। फिर उसके बाद में ये 5 लीटर का है, इमरजेंसी वगैरह पानी स्टोरेज करने के लिए, मौके पे पेट्रोल वगैरह भी लेके जा सकते हो। ओके, ये इमरजेंसी के लिए स्टोरेज के लिए, जैसे अपने नदी वगैरह के पानी लाके अपन को खाना बनाना है या फ्रेश होना है या गाड़ी वॉश करना है, ठीक है, या पीने का पानी है, ठीक है, ये मल्टीपर्पज चीज है। ओके, लिए 5 लीटर, ये तो बहुत काम की चीज है सर। ये क्या कॉस्टिंग है? 200 रुपए का सर। मैं ऐसे पैक आएगी, ठीक है, उसके अंदर में ये है, आप मैगी वगैरह खाना, ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके लिए चम्मच, ओके, इसमें बियर ओपनर भी है, बियर ओपनर होगा, फिर चाकू होगा, या ऐसे आप सिंगल, अच्छा इंडिविजुअली अलग अलग भी कर सकते हो। ये 200 200 रुपीज का। पुरानी चीजों को भूलो मत, फिर याद करो। ये बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे, इतना भी साइंस का युग आ जाए फिर भी पुरानी चीज पे ही आना पड़ेगा। ये देखिए ये कैसे काम करता है, ये देखो चकमक, ये बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे, और ये वाकई में काम आती है। जनरली माचिस वाचिस सब फेल हो जाता है कई बार, जाती है, और लास्ट में यही काम देता। और क्या कॉस्ट आता है सर इसका? 300 रुपीज का। तो नाइफ है जी। ओके, ये एंटीक आइटम टाइप की लग रही है पर बहुत बढ़िया है, काम की सिस्टम होता है। ओके, ऐसे बंद कर लो, ठीक है, पेन की तरह हैंगिंग कर सकते हो, ठीक है। क्या कॉस्टिंग आती है सर इसकी? 200 रुपीज। कुकिंग सेट भी है साथ में, अगर आप कैंपिंग कर रहे हो तो। क्या है कि कोरोना का टाइम है, शुद्ध खाना खाना है तो अपना कुकिंग सेट साथ में रखना। ये नॉन स्टिक आइटम है। ओके। और ये ब्रांडेड है, कोई लोकल कंपनी का नहीं होता, ठीक है सर। ये 3 इंच के ढक्कन है जी, ठीक है सर। ये 3 भगोने है, ये तो बंदा घर पे भी यूज कर लेगा। हाँ, कल है ना। और फिर ये एक राइस प्लेट है, ओके, ये 2 नाश्ता प्लेट है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, खराब हो जाए क्वालिटी दे सकते हो, बहुत ही बढ़िया है, बहुत शानदार है। ये कितने का सेट है सर ये पूरा? 2400 का सेट है। उसके अलावा हमारे पास में ये जूते ट्रैकिंग शूज है, लाइट वेट है, ये तो मेरे ख्याल से फौजी वगैरह पहनते हैं, हमारे आर्मी वाले भी ऐसे पहनते हैं। इसका ब्रांड है, ओके, 950 इसका प्राइस है, 950 प्राइस है। साइज सारे मिल जाएंगे, साइज इसमें 6 नंबर से लेकर आपको 11 नंबर। उसके बाद में ये जो आपको कुकिंग सेट दिखाया है, इसके अंदर में 2 मॉडल छोटे भी होते हैं। अच्छा, इसी में? हाँ। कम बर्तन होते हैं उसमें? कम बर्तन होते हैं, उनकी कीमत 1150 और 1350 रुपए है। 1150 1350 पूछ सकते हो। हमारे पास टेंट होते हैं, 3%, 4%, 6%। जैसे ये आप जो टेंट दिखा रहे हो, ये कोई कंपनी है या आपका खुद का मैन्युफैक्चर? चाइनीज भी है और इसमें हमारा खुद का बनाया हुआ है। ये चाइनीज और दोनों है। हाँ। ओके, ये 2% वाला है। इसमें अब 2 आते हैं सर, एक ये डबल शेड है, ये सिंगल शेड वाला है। इसके अंदर में सिंगल लेयर भी होता है, डबल लेयर भी होता, ठीक है। और उसके अलावा सेकंड क्वालिटी होती है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक सीधा छतरी की तरह खुल जाता है, छतरी की तरह खोलोगे तो वो लग जाएगा, ठीक है। इसके अंदर में ये मैनुअल होता है, इसके अंदर में स्टिक आपस में ज्वाइंट करके डालनी पड़ती है। ये डबल में सिंगल में? ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है। डबल लोगे तो डबल मिलता है। इनकी कीमत 900 से लेके 2500 तक है। सिंगल लेयर 2 लोगों का है। हाँ, और कितने लोगों तक का कैंप आता है सर इसमें? 6 बंदों तक का, 6 लोगों तक का आता है। फिर उसके बाद में अगर 6 बंदों से बड़ा भी चाहिए तो हमारे पास अल्पाइन टेंट होता है, वो जो ऋषिकेश वगैरह में लगते हैं, ऐसे झोपड़ी नुमा जो होते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं। उसके अंदर में एल्युमिनियम की फिटिंग होगी, डबल लेयर का टेंट होगा, नीचे उसके अंदर में ये प्लास्टिक की सीट होगी। ये जो जैसलमेर वगैरह लगते हैं? हाँ, वो लगते हैं जितने भी हिमाचल वगैरह में, और जो आप रेंट पे लेंगे ना वो सब टेंट इधर से ही जाते हैं, जिसकी कीमत 4500 रुपए से स्टार्ट होके
10-15 हजार और बड़े टेंट मिलिट्री वगैरह के भी चाहिए तो 80,000-70,000 लाख रुपए तक के टेंट हम आपके ऑर्डर के हिसाब से बना के दे सकते हैं। सुन लो सर, सुन लो, आपको अगर ऐसे कुछ चाहिए, अगर ऐसा कुछ सेटअप भी करना है तो आप वो भी करवा सकते हो। अच्छा, उसमें टॉयलेट वगैरह वाला सिस्टम होता है? बिल्कुल बिल्कुल, जो 80,000-70,000 के जो बड़े मिलिट्री वाले और जो बड़े सेटअप वाले जो होते हैं उनके अंदर सारी सुविधा, एज ए ऑर्डर जैसा आप ऑर्डर देंगे वैसा बन जाएगा। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। बिल्कुल सर बिल्कुल। उसके बाद में स्लीपिंग मैट होता है, ये सोने के लिए। हाँ। और ये क्या साइज है सर इसका? इसकी 6 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा, 6x2.5 का है। हाँ। 12 mm होता है। ओके, आप योगा मैट लेंगे तो 6 mm है, ये 12 mm, ये कंफर्टेबल लगती है, सॉफ्ट भी ज्यादा है, इससे डबल है इसकी। और इसको आप कैसे भी तोड़ लो मरोड़ लो, इसका कुछ भी खराब होने वाला नहीं है, और वाटर प्रूफ भी लग रहा है मुझे। आप पानी के अंदर भी डाल लोगे तो कुछ खराब नहीं है। ठीक है। गंदा हो जाए तो साबुन सर्फ लगाओ, इसको वॉश कर सकते हो, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है इस प्रोडक्ट में। और लाइट वेट है, मेरे ख्याल से हार्डली 200-300 ग्राम का ही होगा, उससे भी कम है, उससे भी कम है। 200 ग्राम है सर। क्या कॉस्टिंग आती है सर इसकी? 350 रुपीज का। बहुत बढ़िया सर। देखो सामान काफी सारा है, दुनिया भर का भी एक एक करके आपको दिखाते हैं। और देखो ठंड में जाने वाला सबसे जरूरी चीज दिखा रहे हैं भैया, ये हमारे पास में जैकेट होती है जो -10 तक आपको काम देगी। बहुत बढ़िया क्वालिटी, बहुत शानदार है। इसके अंदर में एक पॉकेट है। ठीक है। इसके अंदर में 6-7 कलर एनी टाइम अवेलेबल होते हैं। ओके। इसके इसमें साइज L, XL, XXL। ठीक है। डबल एक्सेल बोले तो अच्छे हेल्थी आदमी को आ जाएगा। आ जाएगा ये। और सर क्या कॉस्टिंग रहती है इसकी? इसकी 950। 950। ओके। कलर इसमें 7-8 कलर का ऑप्शन। सर वजन कितना होगा इसका? वजन ज्यादा नहीं है, करीबन 1.5 किलो होगा। 1.5 किलो के आसपास वजन होगा। देखने में हैवी दिख रही है, वेटलेस है वो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद में हमारे पास ये पैंटें होती है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की, आप देख सकते हो। अच्छा। बहुत अच्छे ब्रांडेड टाइप की पैंट। ठीक है, है। देखो तो कितनी वार्म है, फर्स्ट क्लास। ये बाइकर वगैरह के लिए है? बाइकर के लिए, आप पैसे भी अगर सर्दी में यूज किया तो आपको इसके नीचे इनर वगैरह पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर क्या कॉस्टिंग है सर, कॉस्टिंग बताओ इसके साथ साथ। 1050। इसमें दूसरी रेंज भी है, वो अभी स्टॉक में नहीं है, कल तक माल आ जाएगा। ठीक है। 950। ये इसके बाद में हमारे पास रक्षक बैग होता है, ये मेरे ख्याल से आर्मी वगैरह वाले भी यूज करते हैं शायद। इसको हम 65+10 बोलते हैं। 65+10 लीटर का है। 65 लीटर के इस पूरे बैग को 65 लीटर होता है। ठीक है। लिखने को कुछ भी लिखते। ठीक है। एक्चुअली ये 65 लीटर होता है, 10 लीटर का डिटेचेबल एडिशनल है ये, इसको अलग भी कर सकते हैं। जैसे आप होटल वगैरह में या अपने कैब में ये रख सकते, रख के और ये बाहर लेके निकल गए, छोटे मोटे ट्रेवल के आसपास के लिए निकल गए। होटल वगैरह, बिस्किट कुरकुरे वगैरह कुछ भी लाइट सामान डाल सकते हैं इसमें। वाटर प्रूफ है? हाँ वाटर प्रूफ है। और ये इसके साथ में रेन कवर भी आता है। अच्छा, नीचे से पूरे इसको कवर करना बारिश से। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है सर। क्या कॉस्टिंग है सर इसकी? 1650। ये इसमें पीछे हैवी पैड दिया है। कुशनिंग देख लो, बहुत जबरदस्त कुशनिंग है, फर्स्ट क्लास क्वालिटी, बहुत जबरदस्त है वाकई में, मटेरियल जबरदस्त है। ये जो अगर आपने ले लिया तो आपके ट्रेवलिंग के पूरे सामान आ जाएंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। बड़े से बड़ा लेह लद्दाख पे यूज होने वाला 3 किलो का स्लीपिंग बैग आ जाएगा। ओके। उसके बाद में आपकी 4 दिन की ड्रेसें आ जाएंगी, एक साइड में यहाँ टेंट आ जाएगा, एक साइड में आपका यहाँ मैट आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके छोटे मोटे खाने पीने के जितने भी सामान है वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है सर। इसके अंदर में कलर 4-5 होते हैं, टॉयलेट टेंट और वो ड्रेस चेंज रूम, टॉयलेट टेंट। हाँ। तो इसमें टॉयलेट कैसे जाता है बंदा? वैसे बस खड़ा होकर, खड़ा होकर अंदर। और लड़कियां वगैरह जाए तो अपना ड्रेस चेंजिंग वगैरह करने के लिए ड्रेस चेंजिंग रूम भी। और क्या कॉस्टिंग आती है सर इसकी? इसकी 1500 रुपए। और हाइट वगैरह कितनी रहती है? फुल है, आदमी की हाइट इतना, मतलब 6 फीट के अराउंड होगा सर। बहुत बढ़िया सर। उसके अलावा इनके देखो जैकेट्स वगैरह, बैग्स वगैरह और सारा सामान आपको मिल जाएगा। और ये सब सैंपल रखे हुए हैं, आप पर्सनली विजिट करना चाहो कर सकते हो। देखो ये छोटे छोटे स्टूल्स हैं। हाँ, ये उसके बाद में ये फोल्डेबल स्टूल है, ये आप कैंप पे जा रहे हो तो ये साथ में आप रख सकते हो। है। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। चेयर भी होती है। बिल्कुल, ये भी ये फोल्डेबल है, आराम से फोल्ड हो जाएगी। 950 है, 350 है, ऐसे फोल्ड हो जाएगी। ये इजीली आप ले जा सकते हो कहीं भी, इवन आप घर के लिए भी आप रख सकते हो। बहुत बढ़िया चीज है सर, ये तो अपनी बाइक पे ले जा सकते हो, अपनी गाड़ी वगैरह में भी रख सकते हो। इनके पास आपको ग्लव्स वगैरह मिल जाएंगे, कैप्स वगैरह मिल जाएंगे, मतलब आपको विंटर से रिलेटेड, क्योंकि ज्यादातर कैंपिंग जंगल वगैरह में होती है तो ठंड की वजह से जहाँ परेशानी होती है वो सारा हिसाब किताब इनके पास मिल जाएगा आपको। और बिल्कुल मेरे ख्याल से वार्म है, तगड़े वाली ये मंकी थोड़ा हल्का है जिसने पहन रखा है, अदरवाइज तो बंदा पहनेगा तो बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये हैंड ग्लव्स होते भी हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। ये बाइक के लिए ग्रिप के लिए होता है। ठीक है, अंदर से वार्म भी है, देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर से वाटरप्रूफ भी है। ठीक है सर। इसकी कीमत 150 रुपीज। एक्स्ट्रा में आपको बैक का कवर भी मिल जाएगा।
अगर आप बैग नहीं ले रहे हो, खाली कवर चाहिए तो कवर अरे मिल जाएगा के अंदर में, ये भी मिल जाएगा और बंदों के कवर मिल जाएगा, यानी पोंचो वोचो भी मिल जाएंगे। पोंचो भी मिल जाएगा, पोंचो यानी बारिश वारिश हो जाती है जनरली, तो उस टाइम पे आपके पास कवर होना जरूरी है क्योंकि आपका सामान होता है, चीजें होती है। कौन सा 150 150। और ये जो आप मुझे दिखा रहे हो पोंचो, ये किस रेंज में है? बहुत हैवी लग रहा है बेटा, डाल बहुत तगड़े वाला है, बहुत क्वालिटी बहुत जबरदस्त है ये। इसके अंदर में पॉकेट होती है, ये जैसे आप बाइक वगैरह का कवर भी बना सकते हो। ठीक है, आप बाइक से जा रहे हो कहीं भी, थक गए 10 मिनट अपना पार्क में डाल के इसको चटाई के रूप में यूज कर सकते हो, बहुत हैवी क्वालिटी है। सेकंडली अगर आपके पास बगैर वाटरप्रूफ का या सिंगल लेयर का टेंट है तो ये आप टेंट के ऊपर डाल सकते हो, इसमें रस्सियां भी होती है, तो कायदे से तो ये भी टेंट बन जाएगा, अगर पूरे की शेड बन जाएगा, मिनी टेंट का काम कर सकता है इमरजेंसी में। ये इसके अंदर चारों कोनों में है, ये बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। सर क्या रेंज है इसकी बताया? 400, सिर्फ 400 रुपए में, बहुत जबरदस्त है, बहुत हैवी है, फुल वाटरप्रूफ कपड़ा होगा। और उसके अलावा सर अब बात करते हैं स्लीपिंग बैग की, जितने आप देख रहे हो स्लीपिंग बैग ही दिख रहे हैं हर जगह। बैग हमारे पास 500 से लेके 2500 तक है। जो 500 से स्टार्ट होता है सर, वो किस तरह है टेम्परेचर तक? जो स्लीपिंग बैग है वो आपको प्लस में काम देगा, ठीक है, नॉर्मली माइनस में काम नहीं, नहीं करेगा। जैसे आपको हॉस्टल में लड़के लड़कियों को चाहिए, ठीक है, या आपने घर पे यूज करना पर्सनली चाहिए, ट्रेन में यूज करना है, तो वो 500 का सुटेबल है। अच्छा, उसके अलावा फिर आप थोड़े से सर्दी में जा रहे हो तो -5 का आपको 800 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 1050 का मिल जाएगा। एक सैंपल के लिए दिखा दो, एक आइडिया हो जाए। और साइज क्या रहता है सर इसमें? साइज हमारे पास सब 7+ के रहेंगे, 7 फीट रहता है। और चौड़ाई कितनी रहती है उनकी? चौड़ाई करीबन 2.5 फीट, 2.5 फीट रहती है। एक सैंपल देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। देखो वैरायटी काफी सारे है, ये भी स्लीपिंग बैग है, वो भी स्लीपिंग बैग है। आप बैग की क्वालिटी से आपको समझ आ जाएगा कि उसका साइज बहुत बड़ा है। आप जितने माइनस टेम्परेचर में जाओगे उतने हैवी स्टफ होगा उसके अंदर। और कहाँ तक इसका प्राइस जाता है? 500 से लेके 2500 तक सकते हो। ओके, और आजकल जो फैमिली वाला भी चल रहा है कुछ, ये देखिए 500 का है। ओके, देख सकते हो फर्स्ट क्लास, ये भी हैवी है सर, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ये फिर इसके ये और हैवी में, वो और हैवी है। ये क्या है? ये भी स्लीपिंग बैग है। ये किस रेंज में सर? ये 1250, ये 1250 का है। इसके अंदर में ये अंदर की लेयर आप निकाल के वॉश कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे एल आकार की चैन है, 2 kg, 2 kg का। और ये कला कितना किलो का? ये 1 किलो, 1 किलो का। ये तो पूरा वो बन गया, कंबल बन गया। ये देखिए खोला तो ये आप जैसे घर का गद्दा भी बना सकते हैं। ओके, ये ऐसे ओढ़ भी सकते हैं, ओढ़ भी सकते हैं, डबल यूज है सर। फिर ये अपना चैन बंद किया तो ये आपका पूरा स्लीपिंग बैग बन गया, बहुत शानदार चीज है। इससे ऊपर आएगा 750 का आएगा। अच्छा, उसमें अंदर भी ऐसी लेयर होगी, ठीक है। वो एक अभी आपको मैं एक वो कपल स्लीपिंग बैग और दिखा रहा, ये मेरे ख्याल से 2-2.5 किलो का है, ये 2.5 किलो का है कम से कम। देखो क्वालिटी देखो, शानदार है बेटा, इधर पूरा जबरदस्त है। दो नहीं, इसमें 3 बंदे सो सकते हैं। अराउंड 4 फीट की चौड़ाई है, मम्मी पापा विद बच्चा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आराम से, क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। और टेम्परेचर सर कितना लेता है? ये कुल्टिंग का पीस किया हुआ है। ओके, ये -7-8 तक आपको काम देगा, -7-8 तक चलेगा। अच्छा, सेकंडली इसमें क्या ऑप्शन है, अगर मान लो आपको सिंगल सिंगल 2 बनाने हैं तो ये पूरा चैन से खुल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ये अलग अलग 2 पीस बना सकते। क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, जिसको हमने नाम दिया है कपल स्लीपिंग बैग का। ये मेरे ख्याल से किसी और के पास देखा भी नहीं है, शायद आपके पास ही देखा है। बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है, आप इसको देख सकते हो। और आप मुझे तो फील हो रही है, आपको शायद फील हो रही हो। ये 2 हो गए जी, नीचे बिछा लो ऊपर बिछा लो। जैकेट की तरह चैन अपना अटैच। अच्छा, ये सिंगल 2 बन गए। ओहो, आम गुठली के दाम, क्या बात है, ये चीज तो बहुत बढ़िया हो गई। तो साथ और नहीं तो अपने अलग अलग, बहुत बढ़िया सर। इसकी क्या सर कॉस्टिंग रहती है? 2500 मतलब 2500 रुपए का पड़ेगा। बहुत जबरदस्त चीज है ये, जो ऑटोमेटिक मशीन से बना हुआ पीस, बहुत शानदार चीज है सर। ये जो आज के टाइम में आप जो बढ़िया वाली जैकेट देखते हो ना, वो स्टफ है, वाटर प्रूफ है ये पूरा। ये किस रेंज में है और क्या है? ये 750 का, 750 का है। ये भी एल टाइप चैन प्रेस की हुई है। ओके, फाइबर जो होता है इसका प्रेस किया हुआ है। ये जो इसकी डिजाइन बनाई है ना ऑटोमेटिक मशीन से, जो अपने घर के गद्दे में जो होते हैं, इसको कुल्टिंग बोलते हैं। आराम से सर 2.5 फीट का। फिर इसके अलावा इसको भी चैन खोल के आप गद्दा बना सकते हो। ये कितना है? 750 का, 750 का। और ये कितना टेम्परेचर झेल लेता है सर? ये मान लो आपको -1 तक चले जाता है। आप इसको खोलियो, बहुत बढ़िया सर, ये पूरी चद्दर ही होगी एक तरह से। कोई भी
कॉन्टैक्ट करना है आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो माल की कमी नहीं है, बहुत सारा सामान है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिलीवरी हो जाती है और जो दिल्ली के लोग हैं वो नियर बाय रहते हैं तो वो आ भी सकते हैं। तो मैं आपको आइडिया देता हूँ, ये रोड लेफ्ट साइड करके राइट आगे शास्त्री नगर स्टेशन है, जैसे आप सीधा होगे बाहर एक बंटी टेंट वाला है, ये शॉप है विनायक सेल्स, आप देख सकते हो गली के अंदर हार्डली तीसरा चौथा मकान है विनायक टेंट्स। ईजी है, फिर भी जो लोग दिल्ली से नहीं है, दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं और आना चाह रहे हैं, क्वांटिटी में माल लेना है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, नंबर दे रखा है और व्हाट्सएप पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, आप कॉल कर लीजिएगा। नंबर इनको मैं आपका इनका कार्ड भी दिखा देता हूँ, नंबर भी इसके ऊपर दे रखे हैं सारे। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो लोगों को अच्छी लगी हो। समझते हो अच्छी लगी हो तो क्या करना भैया, अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, ज्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना अपने सर्कल में, क्योंकि जो लोग कैंपिंग करना चाहते हैं ये उनके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो है। और इजीली आप अपने सामान को इजीली कहीं भी लेके जाना है तो आपको बैग ए टू जेड सामान मिल जाएगा, चाहे बाइकर हो, चाहे आप ट्रैकर हो, चाहे कोई भी हो। तो चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे, ऐसे ही बने रहिएगा साथ में, प्यार बनाए रखना और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, डेफिनेटली वीडियो अच्छी लगी होगी शेयर जरूर करना और लाइक कर देना, और नए हो सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना, घंटा जब आना घंटा इसलिए कहता हूँ भैया अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आज तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।